यारे बेवफा माना क्या है कोना क्या है तुम क्या जानो यारे बेवफा माना क्या है कोना बेटा बस अब्बा आने वाले होंगे ना वो खाना लेकर आएंगे तो अब्बा कब आएंगे साथ ही होंगे अब्बा भूख लग रही है ये मुझसे क्यों मांग रहा है इसको दे कुछ खाने को कहां से तू घर में कुछ खाने को नहीं क्या मतलब उस दिन लाया तो था सामान सब खत्म हो गया लेकर आ दूंगा और कल क्या करेंगे हम क्या मतलब है तेरा आज भूखा रखूं इसको फाकू की नौबत तो पहले ही आ गई फाकू की नौबत मेरी वजह से आई है ये मतलब है तेरा मैं तो बस बस क्या नौकरी ढूंढ तो रहा हूं नहीं मिल रही तो क्या करूं चोरी करूं डाका डालूं मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दो क्या दिमाग खराब हो गया तेरा नौकरी करेगी तू खालू जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना वहां सिलाई कढ़ाई का काम है औरतें वहां बाड़ में गया तेरा खालू तुझे पता है कि फैक्ट्री में औरतों के साथ होता क्या है सलीम वहां खालू बकवास बंद कर वरना मेरा हाथ उठ जाएगा एक दिन भूखा रहना पड़ गया तो जुबान चलने लग गई तेरी देखिए जैसा मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता परसों की बेशी इस केस की आखिरी बेशी हो सकती है और फैसला आपकी बीवी के हक में आएगा हम मजीद इस केस को नहीं खींच सकते अलबत्ता हम आपके बेटे की कस्टडी का केस दोबारा कर सकते हैं कस्टडी लेकिन वो तो ऑलरेडी फिजा को हम एक नया केस बनाएंगे नया केस मतलब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे जरा तामुल से सुनिएगा अगर आप अपने बेटे की कस्टडी चाहते हैं तो हमें एक नया केस फाइल करना होगा जिसमें हम ये सवाल उठाएंगे कि आप ये समझते हैं कि आपकी बीवी का कैरेक्टर इस काबिल नहीं ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा मुमकिन नहीं है मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी बात मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं ठीक है हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बस परसों तक की बात है फिर तो अपना हर ख्वाब जीने के लिए आजाद
क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं, एक लम्हे ये सोचकर खुश होती हूँ कि जिन ख्वाबों को जीने के लिए मैंने परसों इंतजार किया था कि करीब हो गई हूँ। दूसरे लम्हे ये सोचती हूँ कि जिसके साथ ये सारे ख्वाब देखे थे उससे दूर हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम चाह के भी जैद को नहीं भूल सकती, लेकिन बाज़ दफ़ा रास्ता हम हमसफर के साथ तय तो कर लेते हैं लेकिन मंजिल तक अकेले ही पहुँचते हैं। ठीक कहती हो तुम, शायद हमारा सफर यहीं तक का था। मुझे मंजिल को पाना है, थक कर रुक नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरी मंजिल अहमद का बेहतर मुस्तकबिल है। हाँ, और तुम्हें इसी बात को सोच के खुश और मुतमईन होना चाहिए। थैंक यू सो मच नीलम, इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे इस बात की खुशी है। अगर आप अपने बेटे की कस्टडी चाहते हैं तो हमें एक नया केस फाइल करना होगा जिसमें हम ये सवाल उठाएंगे कि आप ये समझते हैं कि आपकी बीवी का कैरेक्टर इस काबिल नहीं है कि क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं है। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन अदालत चाहती है कि दोनों फ्रीकैन को एक आखिरी मौका दिया जाए। पंद्रह मिनट के वक्फे के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। साल से जैद मैं सारे दुख सह रही हूँ, जिंदगी से लड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि किस्मत हमें जिंदगी बदलने का एक मौका जरूर देगी, और जब मौका मिल गया तो मैं क्यों उसको अपने हाथ से जाने दूँ? तुम बस ख्वाब देखो फिजा, क्योंकि उनको पूरा करने का वादा मैंने तुमसे किया है। हाँ जैद, लेकिन कहाँ से आए ये पैसे? घर गिरवी रख के कर्ज लिया। 4.5 लाख रुपए, कुछ लोग इससे ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं एक दिन में, और कुछ लोगों की सिंपल फैमिली गेट टुगेदर्स में इससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं। फिजा, और एक हम लोग हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद भी जमा नहीं हो पा रहे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस तरह बार-बार ब्लैकमेल करने से मैं अपना फैसला बदल लूंगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है, ओके? मुझे लगा था तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगे आज, लेकिन मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, उसका इल्जाम मुझे मत, और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो घर तुम्हारा है, तुम जब चाहे वापस आ सकती हो। मैं तुमसे नाराज हूँ? नहीं नहीं, नाराज तुम नहीं हो सकती मुझसे। तुम नाराज होती हो ना तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई चीज अपने ठिकाने पे नहीं रहती। प्लीज नाराज नहीं होना, मेरे पास एक और तरीका है तुम्हें मनाने के लिए। ये देखो, उठक बैठक करता हूँ। 1 2 हफ्ता तो दूर, एक दिन भी नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। जैद अहमद, फिजा जैद हाजिर हूं।
अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। मेरी मौकिला अपने मौकफ पर कायम है, इसलिए मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि मेरी मौकिला को उनका जायज हक दिया जाए। मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी कहिए। खुला केस की असल वजह यह है कि फिजा अहमद को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाह रही है। मेरे इनकार के बाद ही इसने खुला का फैसला किया। मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। मुझे फिजा अहमद के ऑस्ट्रेलिया जाने पर कोई एतराज नहीं है। थैंक यू। कोई जवाब है तुम्हारे पास या इसी तरह खामोश बैठ रहोगी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। फिलहाल मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। तो फिर ये सब तमाशे की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट तुम्हारे हक में फैसला दे रहा था तो फिर मोहलत की क्या वजह? कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए था। लेकिन फिजा, खुला का फैसला भी तो तुमने खुद किया था ना? कि मामा, जिस बात को बुनियाद बनाकर किया था वो बात ही नहीं रही है। तो तुम उस जहन्नुम में वापस जाने के लिए तैयार हो, या तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि जैद की ज़हनियत तब्दील हो गई हो? वो सिर्फ तुमसे मोहलत चाह रहा है, तुमसे फायदा हासिल करने के लिए। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ डैड, प्लीज इस मामले को मुझे खुद ही हैंडल करने दीजिए। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही। मैं समझ रहा था कि शायद तुम्हें अकल आ गई, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। अगर तुम खुद को ही अजियत देना चाहती हो तो जो तुम्हारे दिल में आता है करो। समझ नहीं आ रहा यार कि तेरे इस फैसले पर किस तरह से रिएक्ट करूं। मैं अब और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता यार। तो फिर अब क्या? मैं उसे रोक नहीं सकता यार। बात सिर्फ फिजा की नहीं है, मैंने अहमद की आंखों में भी ख्वाब देखा। वो खुशी देखी है तो कम से कम मैं उसे नहीं दे सकता। क्या तुझे लगता है कि तुझसे दूर जाकर वो खुश रह पाएगा? बात का फैसला तो वक्त ही करेगा जाए। एक बात पूछो यार, क्या तुझे ये उम्मीद है कि फिजा अपना फैसला बदल ले? पता नहीं यार, लेकिन मैंने अब सोचना छोड़ दिया। तेरे को बचाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या फैसला किया है तुमने? पूछो तो आई एम ब्लैंक। जैद के इस फैसले ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। तुम्हें और अहमद को जाने से ना रोकने का मतलब शायद ये है कि वो सुलह करना चाहता हो,
या फिर शायद ये भी हो सकता है कि उसको रियलाइज हो गया हो कि तुम ठीक थी और वो गलत था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आई एम बैक टू जीरो। हर चीज नए सिरे से समझने में वक्त लगेगा मुझे। बेहतर होगा कि जो कुछ भी हुआ है तुम उसको भूल के फैसला करो। हो सकता है कुछ दिन बाद जैद साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, या फिर बाद में तुम लोगों के पास आने के लिए तैयार हो जाए। अंकल ने कैसे रिएक्ट किया है? As usual, नाराज है। I understand. लेकिन जो भी तुम डिसीजन लो किसी प्रेशर लिए बगैर लेना। अहमद कैसा है? ठीक है। किसी दिन घर उसके साथ चक्कर तो लगाओ। तुम दोनों जिस दिन से गए हो अजीब अकेलापन सा महसूस हो रहा है। लेकिन सलीम को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना घर कैसे चलेगा? फिलहाल ना तो उसकी तबीयत इस काबिल है और ना ही इतने वसाइल है कि कोई कारोबार दोबारा शुरू किया जाए। देखो आमना, मेरे बस में जितना होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर ऐसे कब तक चलेगा? कोई मुस्तकिल हल सोचना होगा। और जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही तुम ही कुछ काम ढूंढो। कहा था मैंने सलीम, मगर उसे मना कर दिया। क्यों? उसके मिजाज को नहीं जानती। उसके मिजाज से घर नहीं चलेगा, और क्या बुराई है इसमें? मैं भी तो कर रही हूँ ना नौकरी, और इस महंगाई के दौर में मियां बीवी मिलकर ही घर चला सकते हैं। ये बात सलीम को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम कोशिश तो करके देखो दोबारा, क्या पता दबाव में आकर खुद ही कुछ काम कर ले। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। अभी बस मेरी इतनी गुंजाइश है। सलीम खाना खा लो। ये इतना सब कुछ, तू तो कह रही थी घर में कुछ है नहीं खाने को। सौदा लेकर आई थी आज। पैसे कहाँ से आए? जमीला से उधार लिया था कुछ। चलो शुक्र है किसी ने तो मदद की। दो चार दिन तो आराम से गुजरेंगे। दो चार दिन नहीं, सिर्फ कल रात तक इंतजाम हुआ है। मैं भीख दी थी तो उधार दे देती, दो चार हजार रुपए। बाकी पैसे से तुम्हारी दवाएं आ गई है। तिया नाश हो तेरा, सारे पैसे बर्बाद कर दिए तूने दवाओं में। तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है सलीम। पीर साहब की पुड़िया खा तो रहा हूं मैं। उससे कुछ नहीं हो रहा। तेरा ईमान नहीं है, ईमान से खाली औरत है तू, इसीलिए तो पुड़िया असर नहीं कर रही। सारे पैसे दवाओं में बर्बाद कर दिए, जहर खाने को पैसे है नहीं। जा इसको पानी में घोल कर ला, गिलास में मिला। तू मिलाएगी तो असर ही नहीं करेगा। जा पानी का गिलास लेकर आ, दवा खा लो। मेरी बात सुन, जब खाने को रोटी नहीं होगी ना और भूख लग रही होगी तो तेरी लाई हुई दवाई खाने के तौर पर खा लूंगा। अभी जा जा पानी लेकर आ।
हाँ फिजा, मैंने फैसला कर लिया है, केस वापस ले लो। केस वापस? अच्छा ओके। हेलो हेलो, आपकी मिसेज की वकील की कॉल आई थी, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। कल आप उनके ऑफिस आके कुछ कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर लीजिए। जी अच्छा। जैन सब खैरियत है? फिजा ने केस वापस ले लिया है। दिमाग खराब हो गया उसका, मेरी तो समझ से बाहर है कि एक तरफ तो मुल्क छोड़कर जा रही है और दूसरी तरफ खुला की दरख्वास्त भी वापस ले ली। इसलिए कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, अहमद का भी सोच रही है, बाप है वो उसका। तो क्या दे दिया उसने बाप बनकर जो आगे जाके दे देगा? हंस रहा होगा मुझ पर, मजाक उड़ा रहा होगा। एक बार फिर उस दो टक्के के आदमी के सामने तुम्हारी बेटी ने मुझे नीचा कर दिखाया। आप खुद को क्यों क्यों ना लाओ बीच में? वो ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, मेरी अना को ठेस पहुंचाने। मगर फिजा को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने पहले भी मुझे नीचा दिखाया, वो बाप को तो बाप ही नहीं समझती ना। कमाल, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो भी कर रही है कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी ना। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तुम माँ बेटी को तो मेरी बकवास कभी समझ ही नहीं आती। यहाँ साइन कर अपने असिस्टेंट को देख के आती हूँ ताकि वो कोर्ट में जमा करवा दे। हैरत है कि फैसला तुमने कैसे कर लिया, लेकिन खुशी है कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमने अपनी इज्जत खत्म कर दी। बेहतर मुस्तकबिल? वाकई कितना बेहतर मुस्तकबिल है ना कि मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर जा रहे हैं। तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। आपको आपका बेहतर मुस्तकबिल बहुत मुबारक हो, मैं अपने माजी के साथ ही खुश हूँ। तो फिर इस फैसले की क्या वजह है? तुम्हारे बाप से हारना नहीं चाहता था मैं। दो दिन बाद की मेरी फ्लाइट है, घर में कुछ सामान है मेरा। उस घर में आने के लिए तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, आके ले लेना। ये लीजिए, इसमें आए
आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और टिकट से। थैंक यू। आपको वहां जाकर भी किसी किस्म की जरूरत पड़े तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकती हैं। जी जरूर। अच्छा आप जैद भाई की वालदा की तबीयत कैसी? फिलहाल तो वैसे ही है, कोई बेहतरी नहीं आई है। हाँ जैद भाई शायद इसी वजह से यहाँ रुक गए। जी चले थैंक यू। नो प्रॉब्लम भाग, ये तो हमारा काम है। प्लीज पापा हम ट्रेन में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। आप भी चले ना प्लीज। पापा दादू को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, बहुत ज्यादा। जब दादू ठीक हो जाएंगे आप आएंगे ना? कैसी है? ये तो बहुत महंगा ब्रांड है। मेरा सवाल ये नहीं है कि महंगा या सस्ता, मेरा सवाल ये है कि अच्छी लगी या नहीं लगी। हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन है किस खुशी में? आज तो ना मेरी बर्थडे ना कोई खास दिन। तुम्हारे लिए ये खास नहीं है कि मैंने तुम्हें ये चाय दी है? खास दिन होना जरूरी है। हाँ फिर तो बहुत खास है। पहनकर दिखाओ। पागल हो गई हो टी शर्ट पे? अरे पहनो ना प्लीज। अरे यार ऑफिस जाते हुए पहन लूंगा ना। नहीं मैं पहनूं? मैं पहन लूंगा। कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी हो सकता है बोला। I love you. I love you more. Thank you.
तुम चाहो तो साथ चल सकते। आपको आपका बेहतर मुस्तकबिल बहुत मुबारक हो। मैं अपने माजी के साथ ही खुश हूं। तो फिर इस फैसले की क्या वजह है? तुम्हारे बाप से हारना नहीं चाहता था मैं। पाना क्या है, खोना क्या है, तुम क्या जानो यार बेवफा। थाम के रखना बीच भवर के साथ तुम्हारा छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है। जैद यार, ये सारे इक्विपमेंट की मैंने ड्राफ्टिंग कर दी है। अच्छा, ये इन सब की प्राइजेस हैं और ये हमारे क्लाइंट को चाहिए। तू भी एक नजर दे। जैद सब ठीक है? हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ मैं, कर लूँ। ये देख ले यार, तू भी एकदम। हेलो जी आंटी। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ जी, बस फौरन निकल रहा हूँ। हाँ आप फोन रखिए। मैं यार तेरी फाइल देख लेना प्लीज, मेरे घर जाने में तो ठीक है। सॉरी आंटी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा था कि वक्त का पता ही नहीं चला। देखो बेटा जैद, मुझे ये खुद कहते अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी भी अपने घर की जिम्मेदारियाँ हैं, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। जी मैं अंदर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहरहाल कोशिश किया करो कि वक्त पे आ जाओ। जी वो मेरा को दवा दे देना, वो सो रही थी, जगाना मुनासिब नहीं समझा। जी मैं दे दूंगा। बीमारी की वजह से कहीं नौकरी नहीं मिल रही, घर में फाकों की नौबत आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगले महीने का किराया कहां से दूंगा। यार मैं समझ सकता हूं, अंदाजा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि किस तरह मैं तेरी मदद करूं। डब्बू से तो बहुत मुश्किल से मेरा गुजारा होता है, वरना मैं तुझे अपने पास ही रख लेता। वो तो अपने भाई से बात कर लेना, उसका काम सही चल रहा है, उसको जरूरत होगी। कैसे रखेगा वो तुझे अपनी दुकान? मिठाई की दुकान है उसकी यार, रात के आगे खासा तो उसकी दुकानदारी पे फर्क पड़ेगा। इलाज करवा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा ना? कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन तू उम्मीद ना रखियो भाई। ये रख लाल, तो मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ। से बात कर यार, तू फिक्र ना, मैं कहीं और भी बात करता हूँ, टेंशन ना लो।
आंटी कहाँ रह गई थी? आपको पता है आपकी वजह से ऑफिस से कितनी देर हुई है मुझे? जैद, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कोई, मुझे अपने घर को भी देखना होता है। जी सॉरी, आप जाइए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आप जिस फाइल को ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अब वो क्लाइंट के पास है। एक्चुअली वो, अरे नहीं नहीं, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यकीनन कोई जरूरी काम ही रहा होगा, जब भी आपने ऑफिस की मीटिंग अटेंड नहीं की और ना ही मेरा कॉल रिसीव किया। I'm sorry. Sorry उस वक्त अच्छी लगती है मिस्टर जैद, जब इंसान दोबारा पुरानी गलती ना दोहराए, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए जहमत मत कीजिए। बेहतर होगा आप वक्त पर आने की आदत डाल लें, क्योंकि दूसरी सूरत में नुकसान आपका अपना ही है। मैं सैलरी अपनी जॉब करने की लेती हूँ, आपके काम करने की नहीं। थिंक अबाउट इट। तुम क्या जानो यारे बेवफा,